हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो फ़ोन है तो ओप्पो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में वाईफाई असिस्टेंट सेटिंग्स हैं तो वाईफाई असिस्टेंट सेटिंग्स को आप कैसे सेट कर सकते हैं अपने ओप्पो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे, सेटिंग्स को ओपन कर लेंगे तो जो फ़ोन की सेटिंग्स है इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में वाईफाई असिस्टेंट सेटिंग्स है तो वाईफाई असिस्टेंट सेटिंग्स को आप सेट कैसे करेंगे, सिंपल आपकी फ़ोन की सेटिंग शो हो रही है तो आपको सर्च करना है वाईफाई असिस्टेंट सेटिंग्स। तो सर्च करते ही वाईफाई असिस्टेंट सेटिंग्स हमारे फ़ोन में ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि ओपन हो गई है। तो यहाँ से आप इसको ऑटो कनेक्ट टू बेस्ट वाईफाई ऑप्शन को ऑफ कर दें तो कोई भी जो मतलब वाईफाई होगा नेटवर्क होगा तो ऑटोमेटिकली कोई भी नेटवर्क कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने ऑफ कर दिया है। इसको ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो नेटवर्क है कनेक्ट हो जाएगा और जो भी हमारा मोबाइल डाटा होगा ऑटो स्विच भी हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन आता है ऑटो स्विच टू मोबाइल डाटा नेटवर्क। तो यहाँ से अब जैसे ही हमारे फोन में कोई भी नेटवर्क कनेक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली जो हमारा मोबाइल नेटवर्क है ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है और दूसरा वाईफाई नेटवर्क पर स्विच हो जाएगा। इस तरीके से इसको ऑफ कर देंगे तो ऑटोमेटिकली स्विच नहीं होगा क्योंकि हमने इसको ऑफ कर दिया है। इस तरीके से जो ड्यूल एक्लेस चैनल एक्रेशन ऑप्शन आता है उसको भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। इस तरीके से ऑन करके किसी भी का आप ऑफ कर सकते हैं किसी भी ड्यूल चैनल एक्लेशन के ऑप्शन को, और ऑफ कर देंगे तो सारे ऑप्शन हट जाएंगे। तो इस तरीके से वाईफाई असिस्टेंट सेटिंग्स को आप सेट कर सकते हैं और साथ में आपको वाईफाई ऑप्शन पर जाकर भी वाईफाई असिस्टेंट सेटिंग्स को आप सेट कर पाएंगे क्योंकि यहाँ से भी आपके सारे ऑप्शन शो हो जाते हैं। इस तरीके से सही शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप वाईफाई असिस्टेंट सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं अपने ओप्पो फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।